हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो भाई स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसे कि पिछले ब्लॉग में भाई हमने ब्लॉग इधर ही एंड किया था, घर पे शक्कर लोडिंग किया था भाई अपन, मतलब कल ही आए थे इधर शक्कर लोडिंग करके पूना से। पूना मतलब सुपर से लोडिंग किया था शक्कर राजस्थान का। और मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में बताया था अपने को टायर डालना है दो, तो ये टायर डाल रहे भाई लिफ्ट एक्सल में। मेरा पहला टायर ख़राब था थोड़ा, मतलब सेफ्टी के लिए अच्छे रहते हैं भाई ये लिफ्ट एक्सल के टायर। अगर पीछे का कोई टायर ब्लास्ट भी होगा तो इधर का टायर खोल के उधर डाल सकते, इसलिए ये टायर अच्छे रखते हैं भाई। थोड़े से नॉर्मल भाई डालो थे इसमें अभी टायर, देखते हैं आज कितने बजे तक निकलते हैं अपन इधर से। अगर ये मेरा काम जल्दी होगा तो जल्दी निकल जाएंगे भाई, मेरे को भी फ्रेश होना है। अभी तक ऐसे ब्लॉग स्टार्ट कर दिया भाई, क्या करेंगे ड्राइवर है, हमारी हालत कभी वैसी रहती है। तो भाई करते हैं अभी इसको काम करते हैं, देखते कितने बजे तक काम होता है, फिर निकल जाएंगे भाई इधर से। आपको दिखाएंगे फिर आगे का रूट राजस्थान तक का, बने रहना भाई वीडियो में। इसे अभी दोपहर के बज रहे दो, निकलते भाई घर से। अभी टायर वायर भी कर लिए थे फिट, अभी फ्रेश व्रेश हो गए निकलते इधर से। देखते आज कहाँ तक जाते दिखाएंगे आपको भी, मेरे को भी थोड़ा काम है आगे। मेरे को गाड़ी के ऊपर एक प्लास्टिक लेना है, मतलब तिरपाल लेना है छोटा वाला ऊपर का, वो भी देखेंगे। निकलते भाई इधर से अभी, टंकी फुल करते पहले गाड़ी का, पास ही पेट्रोल पंप है अपने, पहले डीजल डालवाएंगे गाड़ी में फिर निकल जाएंगे भाई। शाम के 7 बज चुके पहुँचे मालेगांव, लेकिन भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, हमारा टायर ख़राब हो गया भाई, उसी का पंक्चर निकल रहा है भाई, नट घुस गया उसके अंदर भी पंक्चर निकल रहे हैं वो पापा कड़े। देखते भाई कितना टाइम लगता है इधर, कि घर से तो 150 किलोमीटर भी नहीं आए तभी शुरुआत हो गई भाई टायर की। देखते आगे अभी निकलेंगे फिर इधर से, फिर दिखाएंगे आपको आगे का सफ़र कहाँ तक होता है आज नाइट का, क्योंकि ये रोड पे ज़्यादातर शक्कर की गाड़ियाँ नहीं चलती भाई, चोरी मारी भी होता है आगे पलसनेर घाट के पास, तो उसके पहले पहले रुक जाएंगे भाई, दिखाएंगे आपको भी। पहले निकलते पंचर, फिर अभी टायर भी फिट करना पड़ेगा। दोस्तों हो गया पंचर निकल के, अभी निकल रहे भाई मालेगांव से, देखते हैं अभी कितने दूर तक जाते हैं, दिखाएंगे आपको भी। आज तो ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे भाई, नेक्स्ट ब्लॉग कल का दिन भी इसी ब्लॉग में लेंगे भाई अपन, देखते हैं भाई कहाँ तक जाते हैं दिखाएंगे आपको भी। पहुँचे अभी शेंदवा, मतलब रात में रुके थे अपन महाराष्ट्र बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर के पीछे ही रुके थे होटल के ऊपर। सुबह महाराष्ट्र बॉर्डर पास किया, नाइट में थोड़ा अंधेरा ही था इसलिए नहीं दिखा पाया भाई महाराष्ट्र बॉर्डर। अभी रुकते आगे, मतलब करते टंकी मतलब यूरिया का टंकी फुल करते, हाँ यूरिया डालना इधर शेंदवा में शोरूम के पास, यूरिया का पेट्रोल पम्प है भाई, मतलब बकेट वकेट नहीं लेना पड़ता है, उठाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, डायरेक्ट डालो और निकल जाओ, वो डालवा लेंगे भाई यूरिया, फिर निकलेंगे आगे शेंदवा बॉर्डर भी पास करना है भाई हमको, दिखाते हैं आपको आगे।
8:30 बज गए, पहुंच गए अभी शेंदवा बॉर्डर, और यहाँ पे भाई फुल जाम है शेंदवा बॉर्डर पे। देखते हैं अभी कितना देर में खुलता है जाम, फिर करवाएंगे काटा, दिखाएंगे आपको भी। सब जाम लगा हुआ है तो भाई एक घंटे के जामिंग के बाद अभी से पहुंचे अपन काटा के ऊपर, करेंगे भाई काटा। सामने काटा है भाई, अभी एक घंटा से इधर जामिंग में खड़े, कुछ काटे बंद है कुछ चालू है, इसलिए पूरा जाम लगा है भाई इधर। देखते भाई करवाते काटा, एंट्री करवा के आना पड़ेगा फिर मिलते आपको। अभी हो गया काटा, यहाँ से अपने को मिलेंगे पेपर, और ये जा रहे पिताजी आगे। भाई ये मानपुर से पहले घाट पड़ता है अपना, दो घाट पड़ते भाई ये, और ये भाई इधर का मौसम देखो कितना सही हो रहा है, बारिश अभी शुरू ही हुआ है जस्ट। ये पूरा भाई डोंगर को काट के घाट बना है भाई, पहले ऊपर से रास्ता था ये सिंगल रोड वाला, जब से 4 लाइन हुआ है तब से ऐसा बना है भाई डोंगर को कट करके। 12:30 बजे पहुँच गए इधर, मतलब मानपुर से आगे माँ वैष्णो होटल है इंदौर से पीछे थोड़ा, भाई खाएंगे इधर खाना भी और खाना खा के निकलते भाई इधर से। देखते आज तो यार बारिश का मौसम भी नहीं बन रहा है, सोचे थे आज बारिश मिलेगा लेकिन फुल धूप हो रहा है भाई। मेरे खाते खाना भाई इधर अभी होटल पे रुके हैं, और गाड़ी उस साइड पार्क किया अपना, लेते भाई पार्सल गाड़ी में ही खाएंगे फिर निकलेंगे भाई इधर से। 4:30 बज गए अभी पहुँचे देवास, ये बाईपास है भाई देवास का, और इस साइड जाता है देवास सिटी, बाईपास होते हुए जाएंगे अभी अपन येरा रोड भोपाल आगरा रतलाम उज्जैन। भाई वो सामने बारिश हो रही है, साफ साफ समझ में आ रहे भाई, मतलब बादल पूरे नीचे बारिश की तरह आ रहे हैं उधर, मस्त मौसम हो गया भाई बारिश का। यहाँ पे भी बारिश अभी होके गई है, सब गीला गीला हो गया। चलते भाई आगे, देखते आज कहाँ तक जाते हैं अपन। दोस्तों तो भाई शाम के बज रहे 6, और अभी खड़े भाई अपन मक्सी शाजापुर वाले रोड के ऊपर, चाय पीने को रुके थे भाई, टायर वायर चेक कर लेंगे इधर, कोई पंक्चर वंक्चर है क्या टायर अपना, टायर तो नहीं भाई पंक्चर वंक्चर, चाय वाय पी के निकलेंगे आज तो। क्या भाई हम नाइट में नहीं चलने वाले, आज आगे जा कर रुक जाएंगे भाई शाजापुर से पहले, शाजापुर के आसपास रुक जाएंगे और उधर से सुबह निकलेंगे, क्योंकि भाई वो बीच वाला जो जीरापुर वाला रोड है उधर चोरी मारी होता है थोड़ा शक्कर का, फिर कल उल पर फाड़ लेते गाड़ी का। बारिश भी चालू ही होते थोड़ा थोड़ा, देखते आज नाइट तक कहाँ तक जाते दिखाएंगे आपको, उधर ही रुक जाएंगे फिर होटल के ऊपर, फिर सुबह निकलेंगे भाई उधर से। वैसे भी अपना गाड़ी कल दिन का अनलोडिंग नहीं होगा कोटा में, क्योंकि कोटा में नो एंट्री रहता है,
नाइट में गाड़ी अनलोडिंग करना पड़ेगा अपने को सुबह सुबह, मतलब परसों। तो भाई आज रात में इधर ही रुकेंगे, कल सुबह निकलेंगे भाई इधर से। अभी चाय वाय पीते भाई फिर निकलेंगे इधर से, दिखेंगे आपको कहाँ तक जाते किधर रुकते आज हम। अभी रात के 8 बज रहे, अभी रुके अपन सारंगपुर के पहले ढाबा पड़ते भाई, यादगार ढाबा, हरियाणा वाले भाई का ढाबा है। इधर रुके भाई, इधर ही खाना खा लिया अभी, और इधर ही होल्ड करेंगे नाइट में। पार्किंग के लिए जगह भी अच्छा है भाई इधर, इधर ही आज रुक जाएंगे भाई, देख सुबह निकलेंगे भाई इधर से, क्योंकि इधर से जो बीच वाला रोड जाता है सारंगपुर से, उधर चोरी मारी होता है, शक्कर का पूरी उतर जाता है। तो भाई इधर ही रुकेंगे आज, और ब्लॉग को भी इधर ही ख़त्म करेंगे। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो बता देना, बुरा लगा तो भी बता देना। और भाई देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे फिर कोटा सिटी में अनलोडिंग का पॉइंट दिखाएंगे हमारा। मिलते भाई आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।